हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको सी सॉरी सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स फाइल ऑप्शंस पे जाकर जो भी आइकन्स हैं आपके देख सकते हैं आप फ़ोन में, उनको कैसे आप हाइड कर सकते हैं और कैसे आप छिपा सकते हैं आप ऐप्स वगैरह को सैमसंग फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप हाइड कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में और आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको स्वाइप करना है और सेटिंग्स पे चले जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो भी आप अपने फ़ोन के ऐप्स को हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपली आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स पे जाना है। होम स्क्रीन सेटिंग्स पे जाकर हाइड ऐप्स सेटिंग्स आ जाएगी, जिस पे जाकर ऐप्स को हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं। कुछ इस तरीके से ऐप्स को हाइड कर पाएंगे और छिपा पाएंगे। डन करते ही आपके फ़ोन के ऐप्स हाइड हो जाएंगे, जो आपकी स्क्रीन पे भी शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ऐप्स को हाइड कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो ऐप्स को अनहाइड भी कर सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन भी शो होता है, आप प्रेस करते हैं स्क्रीन पे तो सेटिंग्स पे चले जाएंगे और डायरेक्टली आप होम स्क्रीन सेटिंग्स पे भी जाएंगे। फिर हाइड ऐप सेटिंग्स पे जाना है। इस पे जाकर जो भी ऐप्स आपके हाइड होंगे उनको अनसेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से अनसेलेक्ट करते ही आपको डन कर देना, जिससे जो भी ऐप्स हैं आपके वापस स्क्रीन पे शो कर जाएंगे, जहाँ से आप इनको शो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐप्स को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।